और सबसे पहले खबर मुंबई के गोरेगांव इलाके से आपको दिखाते हैं, जहां एक बिल्डिंग में आग लग गई और आग इतनी तेजी के साथ फैली कि सब कुछ जलाकर राख कर दिया। जी, जिस फ्लोर में ये आग लगी है वहां पर फर्नीचर का काम हुआ करता था। फिलहाल वहां से अपडेट्स क्या है, आग लगने के पीछे कारण क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। आग की लपटें उठ रही हैं, आसपास आसमान में काला धुआं छाया हुआ है। आग से निकल रहा धुआं इतना ज्यादा है कि पूरा आसमान काले धुएं से भर गया है। भयंकर आग की तस्वीरें मुंबई के गोरेगांव से सामने आई हैं, जहां सिंटैक्स सिटी इलाके की एक फर्नीचर कंपनी में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग कंपनी के दूसरे फ्लोर पर लगी और तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई। आनन फानन में आग की सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर दमकल की 5 गाड़ियां पहुंची और मोर्चा संभाला। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल कर्मियों को काबू पाने में 4 घंटे से ज्यादा का वक्त लग गया। गनीमत ये रही कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बिल्डिंग के अंदर ज्यादा लोग नहीं थे और जो लोग मौजूद थे उन्हें समय रहते बाहर निकाल लिया गया। आग का रूप इतना विकराल था कि इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों से लगा सकते हैं। 1 किलोमीटर दूर से ही लोग बिल्डिंग से उठ रही लपटों को देख पा रहे थे। फिलहाल ये साफ नहीं हो सका है कि आग कैसे लगी, बिल्डिंग मैनेजमेंट इसकी जाँच कर रहा है।